Welcome you all to the first day, first session at Darbar Hall. We do hope your mobile phones are on silent. We encourage you to share photographs and content of the session via social media. Our Twitter handle is @ZJaipurLiteratureFestival, #ZJLF. There'll be a Q&A for 10 minutes at the end of the session. We have a polling question for this session. Is Hindi literature retaining its quality in comparison to yesteryears? Welcome to the 10th Z Jaipur Literature Festival at Darbar Hall. We are delighted to introduce Global Hindi, the Desi Diaspora, sponsored by Bhaskar Bhasha Series. Please welcome Anu Singh Chaudhary, Divya Mathur, and Nandkishore Pandey in conversation with Phillips A. Ludgendorff. Acha, namaste, sabko, namaskar. आदाबर्स और स्वागत यहाँ पर इस गोष्ठी में. वैसे इस सेशन, इस गोष्ठी का विषय है हिंदी. तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग हिंदी अच्छी तरह समझते हैं? अच्छा, प्राय सभी. तो हम जहाँ तक ही हो सकता, वैसे हिंदी मेरी मातृभाषा है नहीं, लेकिन मैं हिंदी टीचर हूँ, अध्यापक हूँ यूएसए में, और जहाँ तक कि हो सकता है हम पूरा सेशन हिंदी ही में करेंगे. ठीक है, और आशा है कि किसी को बुरा न लगे. आई होप नो वन विल माइंड इफ वी कंडक्ट दिस सेशन प्राइमरली इन हिंदी, बिकॉज इट इज़ अबाउट हिंदी. हिंदी तो सब्जेक्ट ही है. हाँ, ठीक है. तो सबसे पहले थोड़ा अपना, मैं अपना परिचय दूंगा आपको. मैं तो क्या पहली बार भारत आया था सन 1971 में, जब मैं 21 साल का था. और उसके बाद धीरे धीरे माने मैं हिंदी सीखने लगा, और मैंने पीएचडी की शिकागो विश्वविद्यालय से, जिसका सब्जेक्ट था उत्तर भारत का सांस्कृतिक इतिहास. और थोड़ा काफ़ी बहुत शोध कार्य, रिसर्च किया काशी में, वाराणसी में, तुलसीदास और तुलसी परंपरा, तुलसी साहित्य के सब्जेक्ट पर. और एक पुस्तक अंग्रेजी में, एक पुस्तक प्रकाशित हुई, द लाइफ ऑफ अ टेक्स्ट, द लाइफ ऑफ अ टेक्स्ट. और मैं आमतौर पर कहता हूँ कि इसका हिंदी अनुवाद हो सकता है ग्रंथ का जीवन चरित्र. वो रामचरितमानस का की लोकप्रियता के बारे में है, और मौखिक प्रस्तुतिकरण, शुद्ध हिंदी में मौखिक प्रस्तुतिकरण, लोग कैसे गाते हैं, सुनाते हैं, कथा करते हैं, रामलीला करते हैं, उसी के बारे में मैंने लिखा है. उसके बाद मैंने एक दूसरी पुस्तक हनुमान जी के बारे में लिखा है, हनुमान्स टेल. ये भी अंग्रेजी में है. हनुमान जो शायद सबसे लोकप्रिय देवता है यहाँ पर. आजकल मैं तुलसीमानस का एक नया अनुवाद कर रहा हूँ मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के लिए, MCLI. वो कुल मिलाकर 7 ग्रंथों में होगा, और 2 ग्रंथ जो बालकांड है, मतलब प्रकाशित हो चुके हैं 1 साल पहले. और अगले जो 2 हैं, 3 और 4, वो अयोध्या कांड है, क्योंकि बालकांड और अयोध्या कांड बहुत लंबे हैं रामचरितमानस में. तो वो 2-2 ग्रंथों में प्रस्तुत किया जा रहा है. और 3 और 4 अभी प्रेस में हैं, और 1 साल के बाद तैयार होंगे. और मैं इस समय लंका कांड में हूँ,
आप समझते हैं इसका मतलब क्या है. दुनियावी लंका कांड में हूँ है शायद, लेकिन आशा है कि इसका नतीजा अच्छा होगा. ठीक है, तो मैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं. नहीं नहीं कोई बात नहीं. तो हमारे दूसरे पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन परिचय भी मैं कराऊंगा. और माफ़ कीजिए, मैं कभी कभी गलतियां करता हूं हिंदी में, तो मेरी हिंदी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है. तो पांडे जी, नंद किशोर पांडे हमारे साथ हैं. वो एक शोधक और विद्वान है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, वाराणसी में. हाँ, कुछ काशीवासी लोग हैं यहाँ पर, है ना? बम बम बोलो. हाँ, शंकर का शहर. हाँ, वो बहुत विख्यात है. उनके भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के शोध के लिए, और एक आलोचक और विद्वान भी है. माने उत्तर पूर्व भारतीय जो आदिवासियों की भाषाओं का और साहित्य का विद्वान भी है. ठीक है, आजकल वो निर्देशक है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, जिसके बारे में हम थोड़ा सुनेंगे. और वो प्रेसिडेंट भी है भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग, और इसके साथ साथ वो प्रेसिडेंट है, और इसका हिंदी अनुवाद तो मैं नहीं जानता भाई साहब, साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कमीशन. हम सब जानते हैं. हाँ बोलिए कोई. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग. हाँ वही तो है. हाँ, इसका प्रेसिडेंट है पांडे जी, और इसी के बारे में भी आप कुछ बताएंगे थोड़ी देर में. इन्होंने 5 पुस्तकें लिखी हैं, प्रकाशित की हैं, और 25 से ज़्यादा शोध लेख अलग अलग पत्रिकाओं में. अच्छा, और दिव्या माथुर जी एक लंदन निवासी है. कितने साल से? 25 साल से. हाँ, लंदन में हैं, और लेखक और संपादक हैं, जिन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं. इन्होंने एक कहानियों का संग्रह का संपादन किया, ये फिलहाल में, क्योंकि बहुत किताबें लिख चुकी हैं जिसके बारे में आप बताएंगी, लेकिन सबसे नई है शायद देसी गर्ल्स, वो अंग्रेज़ी में है. हाँ, जिसमें अलग अलग कहानियों हैं औरतों और लड़कियों के बारे में, प्रवासी भारतीय प्रवासी लोग. और फिलहाल में एक और संग्रह का संपादन किया है दिव्या जी, जिसमें यूके निवासी कवि और शायर की हिंदी, पंजाबी और उर्दू शायरी अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित की गई है. ठीक है, इसका टाइटल क्या है? नेटिव सेंस. वो शायद बुक स्टॉल में है यहाँ पर. हाँ, अच्छी बात है. ठीक है, और हमारा जो तीसरी पैनलिस्ट है, आदरणीय पैनलिस्ट है, अनु सिंह चौधरी पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता है. इनकी पहली कहानियों का संग्रह का शीर्षक है नीला स्कार्फ, और दूसरी किताब मम्मी की डायरी, जो एक वो उपन्यास तो नहीं है, वो एक नॉन फिक्शन संस्मरण है. हाँ, जो परिवार और माता पिता होने के व्यवहार के बारे में शायद हिंदी में बिल्कुल अनोखी और अद्वितीय किताब है. हाँ,
जो फैमिली रिलेशन पारिवारिक संबंधों के बारे में संस्मरण है, ठीक है। इनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला पत्रकारिता के लिए। वो अभी भी इनकी सबसे पहली हिंदी फिल्म बना रही है, फीचर लेंथ फिल्म बना रही है, जिसके बारे में वो हमको कुछ बताएगी। अच्छा, तो ये हमारे तीन पैनलिस्ट हैं। तो बस दो और शब्द हैं हिंदी के बारे में। पहले आप लोग बताइए क्या हाल है आपका। बढ़िया, सब बढ़िया, हम भी बढ़िया है। यहाँ का सत्कार, हम लेखक लोगों के लिए यहाँ का सत्कार तो बहुत, मतलब लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। तो हम राजी खुशी हैं, जयपुर का स्वागत बहुत मतलब अद्वितीय है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट हमारा हाल नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी का हाल। और हिंदी का हाल क्या है भारत में और भारत के बाहर दुनिया में, ठीक है। तो प्रोग्राम में छपा है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या में चौथी भाषा है दुनिया में, लेकिन आज सुबह मैंने देखा इंटरनेट पर, जहां सब विद्या है, कि हिंदी का नंबर तीन है दुनिया में। अंग्रेजी के 150 करोड़ बोलने वाले हैं, उसके बाद चीनी के 110 करोड़ और तीसरा नंबर है हिंदी, जिसका 65 करोड़ लोग हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स के अनुसार। लेकिन जब हम हिंदी के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सी हिंदी, क्या हिंदी, किस तरीके की हिंदी, क्योंकि हिंदी किसी हद तक शायद एक ही नहीं है। हम जानते हैं कि राजस्थानी है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, और भी बहुत सारी बोलियां हैं जो सब हम कह सकते हैं हिंदी के परिवार में हैं। और इसके साथ साथ भी आजकल लोग हिंग्लिश के बारे में बहुत बोलते हैं, वो भी काफ़ी चालू है। तो और आप सब जानते हैं कि कहा जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना। लेकिन ये भी कभी कभी विवादास्पद दावा है ना, हाँ, हिंदी के बारे में। और हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय, क्या सचमुच हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्या है, ये एक सवाल है जो मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हमारे पैनलिस्ट को, और हम सब उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पांडे जी, आप ज़रा केंद्रीय हिंदी संस्थान के कार्य के बारे में हमको बताइए, और वो तकनीकी तकनीकी शब्दावली वाले कमीशन के बारे में भी थोड़ा बताइए। ये आपका माइक है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, अभिनंदन। और प्रोफेसर फिलिप ने बहुत अच्छा परिचय दिया, ये भी काशीवासी हैं, रामचरितमानस का अनुवाद किया, वर्षों तुलसी घाट पर रहे हैं, और एक तरह से बहुत अर्थों में हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं। प्रोफेसर सुखदेव सिंह जी के साथ मैंने काम किया और फिलिप जी का लगातार संपर्क रहता था, तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जिनके साथ मैंने PhD किया, फिलिप भी लगातार संपर्कों में रहे, इनके लिए भी बम बम भोले बोलो।
और ये सही में गंगा किनारे के हैं फिलिप, बहुत अच्छे हिंदी। एक तो 8 मिनट का पहले समय दिया कि केंद्रीय हिंदी संस्थान और तकनीकी शब्दावली आयोग का परिचय श्रोताओं के लिए दिया जाए। केंद्रीय हिंदी संस्थान 1960 में भारत सरकार के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भारतीय संविधान सभा के सदस्य मोटुरू सत्यनारायण जी ने, मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, एक हिंदी भाषी विद्वान मोटुरू सत्यनारायण जी ने उसको स्थापित किया था और आगरा में किया। पहला उद्देश्य ये था कि जो भी अहिंदी भाषी क्षेत्र, जिसको हिंदीतर भी कहते हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में जो हिंदी के टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि उनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था अहिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं थी। तो इस काम को प्रारंभ किया केंद्रीय हिंदी संस्थान ने। उसके बाद लगातार बहुत सारे काम केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ जुड़ते चले गए। थोड़े दिनों बाद ये महसूस किया गया कि जो लोग भारत में हैं या हिंदी भाषी हैं और जो विदेशों में हैं वे भी अहिंदी भाषी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था भारत में होनी चाहिए। ऐसा विचार करके पहले तो 100 विद्यार्थियों को केंद्रीय हिंदी संस्थान में प्रवेश दिया गया और फिर 100 विद्यार्थी वे जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में पढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान के कुल 9 केंद्र हैं भारत में, आगरा हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, और दिल्ली केंद्र पर 100 विद्यार्थी विदेशों के हिंदी पढ़ते हैं और आगरा केंद्र पर 100। इस तरह से 200 विदेशी विद्यार्थी केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी पढ़ते हैं। इस वर्ष दोनों केंद्रों को मिलकर के 47 देशों के विद्यार्थी भारत में केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी पढ़ने के लिए आए हैं। इस दृष्टि से संस्थान भारत का एक ऐसा केंद्र है जहां एक ही विषय को पढ़ने के लिए इतने अधिक देशों से विद्यार्थी किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में नहीं आते हैं जितनी बड़ी संख्या में केंद्रीय हिंदी संस्थान में विद्यार्थी हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं। यद्यपि आज हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था भारत के अन्य कई विश्वविद्यालयों में भी है, इसके बावजूद संस्थान प्राथमिकता बना हुआ है। तीसरा काम कि पूर्वोत्तर भारत, यानी जिसमें 7 प्रांत, सिक्किम जोड़ करके 8 प्रांत, इन 8 प्रांतों के लिए कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की हिंदी की पुस्तकों का निर्माण केंद्रीय हिंदी संस्थान करता है। अब कई प्रांत प्रारंभिक स्तर पर पुस्तकों का निर्माण करने लगे हैं, लेकिन केंद्रीय हिंदी संस्थान जो प्रांत अपनी पुस्तकें बना लेते हैं उनके लिए विशेषज्ञता प्रदान करता है। अभी सिक्किम के लिए कक्षा 1 से पुस्तकें बनाई गई हैं और सिक्किम में कक्षा 1 से हिंदी की पढ़ाई प्रारंभ हुई है। अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इन प्रांतों के लिए हम हिंदी की पुस्तकें तैयार करते हैं। फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान से 5, पहले 3 थे, अब 2 और बढ़ करके 5 शोध पत्रिकाएँ हैं, जिसमें हिंदी की बहुप्रतिष्ठित शोध पत्रिका गवेषणा, संवाद, समन्वय पूर्वोत्तर, समन्वय दक्षिण, समन्वय पश्चिम शामिल है। तो 5 रिसर्च जर्नल केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित होते हैं। संस्थान के अंतर्गत एक बहुत बड़ा विभाग कोश के लिए काम करता है और इस समय हम 40 कोशों पर काम कर रहे हैं, जिसमें 20 ग्लोसरी वो है जिनको बोलने वालों की संख्या 2 लाख से कम हो गई है और 20 वैसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 20 से 10 लाख के बीच है या 20 लाख से कम हो गई है। ऐसे खासी हिंदी, खासी यानी मेघालय की बोली, हिंदी निशी अरुणाचल प्रदेश की बोली, हिंदी मिजो मिजोरम की, हिंदी काकबरक त्रिपुरा की बोली, इनके कोश अभी पिछले साल ही प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा हिंदी आदि, हिंदी तागिन, नोक्टे, मोम्पा, मिशमी, निकोबारी, इन तमाम शीना, बल्टी, जम्मू कश्मीर की गुजरी,
ये बोलियाँ जो प्रायः जिनको कहते हैं कि हाशिए पर चली गई हैं, उन बोलियों के लिए भी ग्लोसरी निर्माण का काम, और ग्लोसरी भी लर्नर डिक्शनरी, यानी उसमें दो तीन वाक्य भी देते हैं जिससे कि कोई आसानी से उन बोलियों को सीखना चाहे तो सीख सकता है। एक बहुत बड़ा काम कि हिंदी सेवी सम्मान केंद्रीय हिंदी संस्थान देता है, और यह पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। इस तरह के कुल 14 पुरस्कार थे। अभी 2015 से इन पुरस्कारों की संख्या 26 हो गई है, और हिंदी सेवियों में केवल हिंदी के साहित्यकार नहीं हैं, पत्रकार जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है, राजनीति विज्ञान, अर्थविज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, इन क्षेत्रों में मैनेजमेंट जो हिंदी में लगातार लिख रहे हैं, उनको 5 लाख का पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से दिया जाता है। दो पुरस्कार और थे, मोटुरी सत्यनारायण और ग्रियर्शन, हाँ जी ना बधाई, ग्रियर्शन पुरस्कार फिलिप जी को पुरस्कार मिल चुका है। उन पुरस्कारों की संख्या 2 से बढ़ाकर के 4 कर दी गई है। अब जॉर्ज ग्रियर्शन पुरस्कार भी 2 लोगों को दिया जाएगा, और मोटुरी सत्यनारायण पुरस्कार अप्रवासी भारतीयों के लिए देते हैं, और जॉर्ज ग्रियर्शन उन लेखकों के लिए देते हैं जो वस्तुतः विदेशी मूल के हैं। इस तरह से 26 पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से दिए जाते हैं। हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए बीएड, एमएड और बीटीसी की सुविधा भी केंद्रीय हिंदी संस्थान में उपलब्ध है। इस तरह से भारत का हिंदी शिक्षण की दृष्टि से 1960 से संचालित एक अनोखा संस्थान है, और जिसके कारण विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। आज संस्थान के पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया के 4-5 विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्ष है। सुनकर खुशी और आश्चर्य होगा कि श्रीलंका के केलेनिया विश्वविद्यालय में हिंदी के कुल 9 शिक्षक हैं, बहुत बड़ा विभाग है, जिसमें 6 विद्यार्थी HOD सहित केंद्रीय हिंदी संस्थान के विद्यार्थी रहे हैं। उसी तरह से प्रोफेसर ख्वे फिलिप ने रामचरितमानस का अनुवाद किया, और चीन के मूल निवासी ख्वे ने सुरसागर का हिंदी अनुवाद 2015 में किया, वे भी केंद्रीय हिंदी संस्थान के विद्यार्थी थे। तो सारी दुनिया में 2 केंद्र हमारे विदेशों में भी, नगनहार अफगानिस्तान और श्रीलंका में, श्रीलंका से 456 विद्यार्थी केंद्रीय हिंदी संस्थान की परीक्षाएं देते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है कि श्रीलंका से 456 विद्यार्थी केंद्रीय हिंदी संस्थान की डिग्री लेने के लिए परीक्षाएं देते हों। ये संक्षेप में केंद्रीय हिंदी संस्थान की गतिविधियां हैं। एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। संयोग से ये दोनों संस्थाएं एक साथ स्थापित हुई माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश से, 60 के आदेश से 1961 से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग काम कर रहा है, और हम लोग कोठारी कमीशन से परिचित होंगे। उसके जो चेयरमैन थे प्रोफेसर दौलत सिंह जी कोठारी, मूलतः राजस्थान के ही थे, गणित के विज्ञान के बड़े साइंटिस्ट थे, वे पहले चेयरमैन थे। और ये महसूस किया गया कि इंडियन लैंग्वेजेज में साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को, विषयों को कैसे पढ़ाया जाए। तो पहली समस्या ये थी कि उसके लिए शब्द नहीं है, तकनीकी शब्द नहीं है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले राष्ट्रपति थे, वे अनुभव करते थे। तकनीकी शब्दों के निर्माण के लिए आयोग बना, और आज आयोग की यात्रा बहुत लंबी है। 87 विषयों के कोश संस्थान में उपलब्ध हैं। इस तरह से 8.5 लाख शब्द, 8,50,000 हिंदी के तकनीकी ग्लोसरी में उपलब्ध हैं। उसका प्रभाव ये हुआ कि आज पूरे भारत में कम से कम इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक हिंदी और भारतीय भाषाओं में हर क्षेत्र की विज्ञान, तकनीकी, मानविकी, सोशल साइंस की पुस्तकें उपलब्ध हैं। तमाम प्रांतों में BSc तक की किताबें, लॉ की किताबें, मैनेजमेंट की किताबें हिंदी में उपलब्ध है। इस दृष्टि से आयोग प्रशासनिक शब्दावली बड़ी मात्रा में, जैसे इस वर्ष 1 लाख प्रतियां छपी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरी की, और बहुत सस्ती हैं, 20 रुपये की पुस्तक होती है। पूरा का पूरा प्रशासन यदि भारत में हिंदी
या भारतीय भाषाओं के माध्यम से काम करना चाहता है तो उसके लिए वाक्य कैसे लिखे जाएं, टिप्पणी कैसे लिखी जाएं, लेटर कैसे लिखे जाएं, अब वो समस्या नहीं रही। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने भारतीय भाषाओं में 8.5 लाख शब्द, 87 विषयों की पुस्तकें, 22 भाषाएं जो संविधान में मान्यता प्राप्त हैं उसके लिए उसने उपलब्ध कराया है। ये दोनों संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय है जिनकी अध्यक्षता मेरे पास है। प्रयास करता हूँ कि और तेज़ी से शीघ्रता से बड़े एक परिचय दिया। भारतीय हिंदी परिषद, उसका अध्यक्ष चुनाव जीत करके होता है प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा जी, जो सुरसागर और भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ थे, उनकी स्थापित वो संस्था है, इलाहाबाद में हेड ऑफिस है। हिंदी के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक हैं उनकी एक मान्य संस्था है जिसमें हर तरह के लोग सदस्य होते हैं। लगभग 2600 आजीवन सदस्य हैं और उसका 5 वर्षों पर चुनाव होता है, तो उसका सभापति बोलते हैं, अध्यक्ष का दायित्व है। हिंदी अनुशीलन करके बहुत पुरानी हिंदी की शोध पत्रिका वहाँ से प्रकाशित होती हैं, अन्य तमाम गतिविधियाँ उसके माध्यम से संचालित होती है। मुझे लगता है 1 मिनट ज़्यादा हो गया, बहुत धन्यवाद फिलिप। बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा ठीक है, यह अच्छा है कि हम सब बैठेंगे। अच्छा तो पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक खास बात की चर्चा करना चाहता हूँ थोड़ा अपने बारे में। इस योगदान के लिए हम सब बहुत कृतज्ञ हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान को और कमीशन को और पांडे जी को। लेकिन मैं इसकी चर्चा भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ जयपुर में भी एक पाठशाला है, एक स्कूल है हिंदी का, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ की तरफ से है। और मैं, ये मेरा AIS का बैज है क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ AIS का, और मैं पहले एक हिंदी स्टूडेंट, हिंदी विद्यार्थी भी था इंस्टीट्यूट में। और आज हमारे साथ हमारे 4 टीचर्स हैं, आप लोग ज़रा उठिए, हाँ, जो यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं विदेशी लोगों को। और ये हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट में, आप भी ज़रा, जो USA से आए हैं, थैंक यू। अच्छा तो दिव्या जी, तो हम थोड़ा भारत के बाहर शिफ्ट करेंगे सब्जेक्ट, और आपकी साहित्य, कविता, कहानियों के बारे में थोड़ा बताइए हमको। ये ऑन है? ओके, नमस्कार। नमस्कार, ये मेरा सौभाग्य है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सौजन्य से मुझे आप जैसे विद्वान लेखकों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद JLF। किसी कारणवश फ्रांचेस्का ऑर्सिनी यहाँ उपस्थित नहीं हो सकी हैं। वह मेरे संग्रह देसी गर्ल्स, विदेश में बसी लेखिकाओं की कहानियाँ पर बोलने वाली थी, और मुझे उन्हीं के वक्तव्य के एक सूत्र को पकड़कर आगे बढ़ना था। खैर, अब क्योंकि वो यहाँ नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि बजाय मैं अपने खुद के बारे में बोलूँ, अब मैं आपको UK में बसे भारतीय लेखकों के विषय में और UK में हिंदी के विषय में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मेरा पावर पॉइंट ऑन कर देंगे प्लीज़? दिव्या का जो पावर पॉइंट है ज़रा लोड कीजिए, उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, आ गया, ठीक है। अच्छा। तो एक ज़माना था कि जब मात्र BBC वर्ल्ड हिंदी सर्विस ही एक ज़रिया था हिंदी भाषियों को अपनी मातृभाषा में समाचार अथवा रेडियो कार्यक्रमों को सुनने का। डॉक्टर ओंकार नाथ श्रीवास्तव, कैलाश बुधवार, अर्चला शर्मा जो आज शायद यहाँ पर भी हैं, और ममता गुप्ता, विजय राणा, परवेज आलम वगैरह जो ये उद्घोषक थे, उद्घोषक, उनकी आवाज़ तो सुनकर भारत से बाहर लोगों को बड़ी आनंद और सुकून मिलता था। ठीक है,
ये बहुत आगे पहुंच गए हम, तीसरे पे नंबर पे आ गए। ओके, और ऊपर, हाँ नहीं उसको मैनुअल कर दीजिए प्लीज़, ये बहुत आगे चला गया। बीबीसी हिंदी वर्ड सर्विस की पूर्व प्रमुख डॉक्टर अचला शर्मा आज हमारे बीच हैं। उनके रेडियो नाटक पासपोर्ट और जड़ें बहुत चर्चित रहे, मुझे उनकी कहानियाँ और कविताएं भी उतनी ही पसंद है। विशेषतः मेहरचंद की दुआ, जो एक इलीगल इमिग्रेंट की जद्दोजहद की कहानी है, जो ना तो वापस पाकिस्तान जाना चाहता है और ना ही अपने परिवार को अपने पास बुलाना चाहता है। अचला जी के अतिरिक्त बीबीसी के जिन उद्घोषकों ने लेखन में नाम करवाया उनमें शामिल हैं स्वर्गीय डॉक्टर गौतम सचदेव, भारतेंदु विमल, कैलाश बुधवार, जिनकी पुस्तक लंदन पाती को खासी ख्याति मिली, नरेश भारती जी जिन्होंने चेतक के नाम से यूके की पहली हिंदी पत्रिका का संपादन किया, मेरे ख्याल से 30 साल पहले की बात है, विजय राणा जो आजकल हेल्थ एंड हैप्पीनेस के संपादक हैं, उन्होंने एक अच्छी पुस्तक भी लिखी महात्मा गांधी इमेजेस एंड आइडियाज फॉर नॉन वायलेंस, जो बहुत चर्चा में रही। 1985 से लेकर 2014 के दौरान मैं भारतीय उच्चायोग लंदन में कार्यरत थी। 1992 से 2012 के बीच मैं उच्चायोग के संस्कृति विभाग नेहरू केंद्र में वरिष्ठ अधिकारी रही, जहां मुझे श्री गोपाल कृष्ण गांधी, गिरीश कर्नाड, पवन वर्मा, मोनिका मोहता और इंद्रनाथ चौधरी सरी के महानुभावों के साथ काम करने का मौका मिला। मुझ जैसे बहुत से NRIs को स्वर्गीय लक्ष्मीपाल सिंघवी जी का, जो एक लंबे अरसे तक लंदन में उच्चायुक्त रहे, सानिध्य मिला और उन्हीं के संरक्षण में हमने विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार का काम शुरू किया। जब मैं हिंदी की बात करती हूँ तो मेरा मंतव्य हिंदुस्तानी से होता है, जैसे कि गांधी जी और मौलाना आज़ाद ने कहा था, कि फिर चाहे उसकी स्क्रिप्ट नागरी, उर्दू अथवा रोमन हो जो आजकल प्रचलित है। इस विषय पर JLF लंदन में आयोजित एक सत्र आवाज़ दो वॉइसेस फ्रॉम उर्दू हिंदुस्तानी एंड हिंदी में एक चर्चा हुई थी, जिसमें फ्रांचेस्का अचला शर्मा और कैसरा शहराज भी शामिल थी, जो आज यहाँ है शहर। सिंघवी जी के कार्यकाल में न जाने कितनी संस्थाओं ने जन्म लिया, अनन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, हम में से बहुतों ने हिंदी में लेखन शुरू किया। मेरे पहले कविता संग्रह अंत सलील काक भूमिका सिंघवी जी ने लिखी, कितने ही पत्रों पत्रिकाओं की नींव पड़ी, एक तरह से ब्रिटेन में हिंदी का एक मुहिम छिड़ा जिसने घर घर में हिंदी का डंका बजा दिया। उस समय नेहरू केंद्र की स्थापना नहीं हुई थी और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हिंदी के कार्यक्रम हम कर सकते, किंतु सिंघवी दंपति ने इसकी परवाह नहीं की, गोष्ठियाँ उनके अपने निवास कैंसिंगटन गार्डन्स में या इंडिया हाउस में होने लगी। वैसे भी वे दोनों हम में से किसी के घर भी मिलकर बैठने में सहज तैयार हो जाते थे। कब मैं उनके मुहिम में शामिल हो गई मुझे पता ही नहीं चला, मुख्तलिफ पेशों से जुड़े हिंदी के लिए लोग एक हो गए। 1985 में जब मैं लंदन पहुंची तो सत्येन श्रीवास्तव, जो कैम्ब्रिज में हिंदी के प्राध्यापक थे, से मैं प्रोफेसर स्टुअर्ट मैग्रेगर का नाम सुनती रहती थी। जल्दी ही मेरी उनसे भेंट हुई जब सौभाग्यवश गिरीश कर्नाड ने उन्हें मेरे कहानी संग्रह आक्रोश के लोकार्पण के लिए बुला भेजा। वह सत्यनिज जी की अनुवादक और शिष्या यूटा ऑस्टिन, डॉक्टर रूपर्ट स्नेल और श्याम मनोहर पांडे जी, जो उस समय इटली के विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, से भी मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि ब्रिटेन में भी हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है। जिस संस्था ने लंदन में हिंदी के कार्यक्रमों का आगाज़ किया वह थी डॉक्टर पद्मेश गुप्ता की यूके हिंदी समिति, जो विदेशों में बच्चों के हिंदी शिक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और यूरोप में वार्षिक हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करती है। चुने हुए 12 बच्चों को भारत दर्शन के लिए हम भेजते हैं। कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन 2 अक्टूबर 1994 में हुआ और यह सिलसिला अब तक कायम है। भारतीय उच्चायोग बहुत से पुरस्कार देता है हिंदी के लिए और उसमें अनुदान शामिल है, प्रचार प्रसार सम्मान शामिल है और ये सचमुच मेरा सौभाग्य कि सेशन का विषय ग्लोबल देसी है, क्योंकि मेरी संस्था वातायन पोइट्री ऑन साउथ बैंक की स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी। मेरे 5 संग्रह इसी विषय पर हैं। पिछले वर्ष मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई, देसी गर्ल्स और नेटिव सेंस, जिसमें आप जैसा बताया फिलिप ने कि उसमें कविताएँ शामिल हैं बाहर के लोगों की, और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी मुहावरे और उनके तुल्यात्मक हिंदी मुहावरों का एक संग्रह लगभग तैयार है
और मुझे प्रसन्नता है कि मेरा प्रथम व्यंग्यात्मक उपन्यास विदेश में बसे भारतीयों के जीवन के अनन्य पहलू उजागर करता है। और जल्दी में मैं कहूँ तो मेरी 1995 में मेरा पहला हिंदी कहानी संग्रह ओडिसी विदेश में बसी भारतीय लेखकों की कहानियाँ प्रकाशित हुआ था। और विदेश में रहने वाले हिंदीकार साहित्यकार जहाँ एक और इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उनकी रचनाओं में विभिन्न देशों की ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ उनकी साहित्यिक रचनाशीलता का अंग बनती हैं। हिंदी के पाठकों का विस्तार होता है, विभिन्न शैलियों के आदान प्रदान के अलावा हिंदी साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय विकास भी होता है। विदेश में रोप दिए जाने पर पौधा विदेशी नहीं हो सकता, बल्कि एक नए वातावरण में पनपने की वजह से उसमें अतिरिक्त सहिष्णुता और क्षमता जैसी अनन्य खूबियाँ आ जाती हैं। एक तरफ उन्हें अपने देश की कदर का पता लगता है तो दूसरी ओर उनका दृष्टिकोण आत्मगत नहीं रहता, वस्तुनिष्ठ हो जाता है। तो मैं आपको बस एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी, वो कम लोग कहते हैं कि अब ख़त्म होने वाला है, यू नो हिंदी हम लोगों की भाषा रह जाएगी, हमारे आगे कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन एक नई पॉट शेप ले रही है और उसमें बहुत से लोग हैं शामिल हैं, किंतु इनके बच्चे कितनी हिंदी बोलेंगे, हमारे बच्चों के बच्चे कितनी हिंदी बोलेंगे, ये बहुत शंकास्पद है। फिर भी मुझे लगता है कि हम स्वयंसेवकों के प्रयास से और भारत सरकार अगर शामिल हो जाए इस मुहिम में तो हम लोग हिंदी का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। धन्यवाद। अब हम लौट रहे हैं भारत, क्योंकि अनु जी आजकल दिल्ली में रहती है ना? दिल्ली में जी। हाँ, और लेकिन मूल तो बिहार की हैं। हाँ, और भोजपुरी, मातृभाषा भोजपुरी है। हाँ, और आपने थोड़ा बहुत लिखा है हिंदी और भोजपुरी का के बारे में, का रिश्ता, का फ़र्क। हाँ, थोड़ा ज़रा अपने बारे में बताइए हमको और अपने कार्य साहित्य के बारे में। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए माफ़ी मांग लूँ हाथ जोड़कर कि मैं इन विद्वजनों के बीच में सबसे कमज़ोर कड़ी हूँ। मैं यहाँ जो भी कहने वाली हूँ या मुझे जो भी समझ में आता है वो सारी तमाम बातें मेरे अनुभवों के आधार पर है। मेरे पास बांटने को जो है वो सिर्फ स्मृतियाँ हैं और वो एनेक्डोट्स हैं, वो उदाहरण है जो इधर उधर देखा और समेटा और कहानियों और किस्सों के रूप में सामने आ गया, चाहे वो उसमें सिवान था या दिल्ली थी या मुंबई थी या जर्मनी था या मॉरिशस था या इंग्लैंड था या यूएस था या आगे भी आएगा। मैं ये वाकई में इस बात के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे विद्वान हैं जो भाषा को लेकर बेहद संजीदा हैं और अपनी तरफ से इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि यही वो भाषा ही है जो संस्कृति को परदेश में बचाए रखती है। जब मैं छोटी थी, हमारे परिवार के लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं, हर दो साल पर या तीन साल पर जब घर लौटते थे, गांव लौटते थे, तो तब उनको देखा या जितनी बार उनके पास जाने का मौका मिला या दूर से जितना उनको देखा, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमसे कहीं ज़्यादा, मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले हम हिंदी भाषी लोगों से कहीं ज़्यादा अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी कहानियों के प्रति, अपने लोकगीतों के प्रति, अपनी छोटे छोटे रीति रिवाजों के प्रति वो ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। उनको ज़्यादा मालूम है, कहीं हमसे कहीं कहीं ज़्यादा मालूम है और बचा कर रखते हैं, इसलिए क्योंकि वो भाषा और वो संस्कृति है इकलौता माध्यम है। इतने सालों तक अपने देश से, अपनी मिट्टी से जुदा रहने के बाद ख़ुद को यहाँ से जोड़े रखने के लिए, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब हम यहाँ अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में भेज रहे होते हैं, उनसे अंग्रेज़ी में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ दूर विदेश में हमारे अपने लोग, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारी अपनी पीढ़ी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही होती है कि आसपास कोई हिंदी टीचर मिल जाए जहाँ उनको भेज कर और उनको अपनी भाषा पढ़ाई जा सके, अपनी लिपि बचाई जा सके, अपनी कहानियाँ बचाई जा सके। तो वो क्या चीज़ है जो बांधती है उनको, जो वो जो पहचान जो 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से, इतने सालों से जो छूट गई है या बची हुई, जो छूट गई है और जिसको बचा कर रखने की जिम्मेदारी
एक पीढ़ी अपने आप पर लेकर चलती है वो भाषा के माध्यम से ही बचती है। और यही, और इसको मुझे लगता है कि 90 के दशक और उसके बाद के दशकों में जब पॉपुलर कल्चर में हिंदी एक नए किस्म से आई तो और वो और ज़्यादा पुख्ता हुई वो कोशिश। मिसाल के तौर पर मैं पूरब और पश्चिम, मतलब मैं कुछ फिल्मों का उदाहरण देना चाहूँगी, तो जैसे मैं एन इवनिंग इन पेरिस और पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों की बात नहीं कर रही, मैं 95-96 के दशक में आई फिल्म की बात कर रही हूँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि अभी भी कल्ट फिल्म है। तो उसमें जब एक गीत होता है कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, या फिर परदेस जैसी फिल्म आती है जहाँ दूर विदेशों में बसे एक परिवार की जद्दोजहद ये होती है कि वापस भारत में लौटकर और शादी यहाँ की एक लड़की से करनी है क्योंकि वो हमें जोड़कर रखेगी और हमारी भारतीयता बचा कर रखेगी। तो वो बहुत बहुत वहाँ बसा हुआ इंसान आकर गाता है यहाँ पर और कहता है कि वतन मेरा इंडिया, चमन मेरा इंडिया। और उसके बाद धीरे धीरे वो अगर आप फिल्मों को ही देखें तो वो धीरे धीरे एक किस्म का ये जो एक कोशिश थी उस प्राइड को बचाने की, वो 2000 के दशक में आई हुई फिल्म, पिछले दशक में आई हुई फिल्मों में अपने आप बड़ी नेचुरली इंटीग्रेट होती गई। तो वो परदेश से आया, मतलब स्वदेश में शाहरुख खान जब लौट कर आता है, या फिर उसके बाद अभी की जितनी तमाम तरह की फिल्में दिखाई देती हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ऐदिल है मुश्किल, जिसमें एक शायरा है जो हिंदुस्तानी में या उर्दू में लिखती है, और बहुत नेचुरली ये तीन कैरेक्टर्स हैं जो विदेशों में रहते हैं और उतने ही हिंदुस्तानी हैं और उतने ही हिंदुस्तानी दिल से भी हैं, बोली से भी हैं, बेशक उनके पोशाक से नहीं है, बेशक तौर तरीकों से नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मूल्यों के लिहाज से या फिर अपनी पहचान को बचाए रखने के लिहाज से मुझे लगता है कि पूरी कोशिश के साथ वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी हैं कम से कम। सो ये जो एक पिछले 25 सालों में जो एक दिखाई दे रहा है परिवर्तन की, बहुत नेचुरली विदेशों में रहते हुए भी, क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी है या चौथी पीढ़ी है जो अब विदेशों में रह रही है भारतीयों की, वो वहाँ भी उतनी ही ब्रिटिश है जितनी इंडियन है, उतनी ही अमेरिकन है जितनी इंडियन है। और कई ऐसे परिवार हैं जहाँ इंटरकल्चरल शादियाँ हुई हैं। जब मैं रिसर्च कर रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िल्म पर हम काम कर रहे हैं जो यूके में बेस्ड है और वहाँ के एक परिवार की कहानी है जो पिछली तीन पीढ़ियों से वहाँ रह रही है, तो जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें लगा कि जैसे मुझे लगता था कि नस्ल भेद एक बहुत बड़ा मसला अभी भी होता होगा। सो जो स्कॉटलैंड यार्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल काम करता होगा या किसी भी सरकारी संस्थान के साथ बाहर जुड़ा होगा, उसको अभी भी नस्ल भेद या रंग भेद उतनी ही गहराई के साथ उसका सामना करना पड़ता होगा। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं और वहाँ बसे हिंदुस्तानियों से बात करते हैं तो ये मसला है नहीं उनके लिए जितना हमारे लिए है इतना बड़ा। तो वो एक तो इस तरह से किस तरह से बहुत नेचुरली वो इंटीग्रेट कर चुके हैं वहाँ के परिवेश में वहाँ, और ये दिव्या मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। और यही जो चीज़ है ना, जो कहानियों में रिफ्लेक्ट करती है, जो साहित्य में दिखाई देती है या फिर पॉपुलर कल्चर में दिखाई देती है कि अब धीरे धीरे इंटीग्रेशन हो रहा है। पिछले दशक की मिसाल लें तो मतलब अब सरकारें बन रही हैं यहाँ पर, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे गाँव में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, किस तरह के पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी पंचायत में क्या हो रहा है। मैं जानती हूँ अपने परिवार के ऐसे कई लोगों के बारे में को जो मुझसे कहीं ज़्यादा बारीकी से दैनिक जागरण पढ़ते हैं और खोज के ढूंढते हैं सिवान की खबरें, और मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, मतलब उनके पंचायत में कहाँ गोली चली है उनको मुझसे कहीं ज़्यादा मालूम है। तो इंटरनेट ने बांधा है, इंटरनेट ने एक आवाज़ दी है, और ये सब कुछ अब धीरे धीरे साहित्य में जो हिंदी वहाँ लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, जो हम लिख रहे हैं अप्रवासी भारतीयों की कहानियाँ या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें दिखाई दे रहा है वो जो बहुत नेचुरल इंटीग्रेशन है वो दिखाई दे रहा है। ये बात हो गई हम क्या लिख रहे हैं डायस्पोरा के लिए या डायस्पोरा क्या क्रिएट कर रहा है उसकी। दूसरा जो बात फिलिप आपने कही कि किस तरह की हिंदी, मैं इस बात को मानती हूँ और मैं ये नहीं कह रही कि ये सही होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी अपने आप में
इतनी खूबसूरत और इतनी उदार भाषा है कि जिसमें इतनी सारी भाषाओं का अपने आप शामिल हो जाना बहुत ही मतलब बहुत नेचुरली हुआ है। और इसीलिए अगर कहीं कहानियों में मुझे हिंग्लिश दिखाई देता है या डायलॉग्स में, तो मुझे लगता है कि नहीं, इसको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उन किरदारों की कहानियां हैं जो उसी भाषा में बात कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तानी कहीं कोई बहुत इस्तेमाल कर रहा है, तो ये वहाँ से उपजी हुई आई हुई कहानियाँ हैं या वहाँ की अभिव्यक्ति है जहाँ वो भाषा बोली जा रही है, हिंदुस्तानी बोली जा रही है। तो हिंदी के भी इतने सारे रूप न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी दिखाई दे रहा है। मॉरिशस में अभिमन्यु अनस जी जो लिख रहे हैं, या और जगह जो यूके में लिखा जा रहा है, तो वहाँ की हिंदी में वो पंजाबियत भी होगी, वो उर्दू भी होगी, वो ब्रज भी होगा, वो भोजपुरी भी होगी, वो मैथिली भी होगी, वो सारी भाषाएं होंगी। और तब उससे निकल कर जो हिंदी वो बनेगी और बचेगी, और तब इसीलिए मतलब न सिर्फ तीसरी बड़ी भाषा है बल्कि बनी रहेगी। और मैं तो इस बात को लेकर बहुत उम्मीदवार हूँ कि स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, मतलब अगली पीढ़ी तक भी हम हिंदी को सौंप पाएंगे अपनी कहानियों के ज़रिए और अपने पॉपुलर कल्चर के ज़रिए, और साहित्य भी हम उनको सौंप पाएंगे। आमतौर पर तो 10 मिनट हम देते हैं सवाल के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से हम 15 मिनट भी दे सकते, क्योंकि मेरे ख्याल से इन लोगों में बहुत शायद सवाल होंगे। ठीक है आप लोग? ठीक है, तो ज़रा मैं यहाँ से देख भी नहीं सकता लाइट की वजह से, तो आप लोग ज़रा माइक किसी को दीजिए श्रोताओं में। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ पिछले 20-22 साल से, और अंग्रेज़ी पढ़ाता था, इतना कहना ज़रूरी समझता हूँ। और शुरू में मैं थोड़ी बहुत पोइट्री इंग्लिश में भी लिखता था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे एक फोरम चाहिए, एक कंपनी चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए। तो आपने जो भी बात कही कल्चर वाली, सॉरी आई एम नॉट आस्किंग ए क्वेश्चन, आई एम जस्ट मेकिंग ए ब्रीफ कॉमेंट इफ यू कैन हीयर मी आउट। तो एक चीज़ तो ये कि जो हमारी जनरेशन जो जाती है बाहर, उसकी एक ज़रूरत होती है उस साहित्य को, उस भाषा को, उस संस्कृति को सस्टेन करने की। उस सस्टेनेंस के लिए हम एक जैसा आपने बताया कि ग्रुप बनाते हैं, और धीरे धीरे कितना बढ़ता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ आपकी पॉपुलेशन कितनी। मैं पर्थ में रहता हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे अलग थलग शहर वही है जहाँ किसी दूसरे शहर जाने के लिए 400 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो उस शहर में हम मैक्सिमम कुछ भी करते हैं पब्लिसिटी के बाद, ईमेल्स के बाद 60-70 लोग आ जाते हैं, तो हमको लगता है कि हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। सिडनी चले जाइए, तो एक बार गया था मैं कवि सम्मेलन में, तो वहाँ 70 नहीं 100 आदमी ज़रूर थे। मेलबर्न चले जाइए, वहाँ 100 की जगह 125 हो जाएंगे, शायद 150 हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं एक बात बस ये बता दूं कि दिल्ली में भी इस तरह का आयोजन होता है तो आपको इतने ही लोग मिलेंगे। चलिए, ये जान के खुशी हुई। लेकिन एक जो आपने बात कही ना, उसमें जो डिवाइड है, क्योंकि हम यहाँ की संस्कृति से गए हैं तो हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन जो यंगर जनरेशन है वो पढ़ी लिखी जनरेशन है और अंग्रेज़ी स्कूलों से पढ़ के गई है, उनका भारतीय संस्कृति से, भाषा से इतना लगाव नहीं, भारतीय साहित्य से इतना लगाव नहीं है। अब उसका एक दूसरा जो आस्पेक्ट है कि भाई आप अपने नई जनरेशन को क्यों नहीं सिखलाते, तो उसमें ये कि भाषा की ज़रूरत, भाषा एक प्रयोग की चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है। जहाँ ज़रूरत नहीं है भाषा नहीं पनपेगी। लेकिन जो आम पढ़ा लिखा आदमी हिंदुस्तान से जाता है, यंग जनरेशन, इंजीनियर, MBA, उसको संस्कृति का कोई ख्याल पता नहीं है कि संस्कृति में, भाषा में संस्कृति है क्या और संस्कृति से कनेक्शन क्या। दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन बहुत अच्छा फॉरेन कंट्रीज। विषय रख रहे थे जब हम देसी डायस्पोरा या भारतीय डायस्पोरा पर बात करते हैं, तो उसमें तीन तरह के लोग हैं। एक तो वे लोग जो 200 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन के दौरान
भारत से मजदूर के रूप में काम करने के लिए विदेशों में ले जाए गए, उनके बगीचे में ले जाए गए, गार्डन में ले गए। दूसरे व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस क्लास है, और एक तीसरा वर्ग भी है जो अलग अलग कारणों से नौकरियों के लिए गया। तो भाषा की समस्या और कल्चर, संस्कृति की समस्या, इन दोनों को हम डायस्पोरिक लिटरेचर के अंतर्गत परिगणित करते हैं, गिनते हैं। जो लोग केवल नौकरियों के लिए विदेशों में गए और लिख रहे हैं, वे संस्कृति की समस्या से उतना नहीं जूझ रहे हैं। समस्या उनकी है जो मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम गए और फोर्स्ड गए, जबरदस्ती। उनको ये है कि हम मॉरिशस के मूल नागरिक नहीं हैं, आज वहाँ पर सरकार भी है, मुझे ले जाया गया भारत से और गिरिमिटिया मजदूर के रूप में ले जाया गया। तो हमारा मूल देश भारत है, हम जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, चाहते थे, ये हमारा विचार का विषय नहीं था। इसलिए उनके साथ भाषा का भी सवाल है, संस्कृति का भी सवाल है, इसलिए रामचरितमानस भी है उनके साथ, हनुमान चालीसा भी है, जिसके बल के ऊपर वो वहाँ सर्वाइव कर रहे थे। और आज भी उनकी स्मृतियों और जेहन में उनके सपनों का भारत हो या न हो, उनका गांव उनकी स्मृतियों में बसा हुआ है। इसलिए जब भी भारत आते हैं तो अपना गांव ढूंढते हैं, परिवार ढूंढते हैं। जो व्यवसायी वर्ग गया, पैसा कमाने के लिए गए, हम बेहतर ज़िंदगी के लिए गए, और आपने चर्चा की कि उनको भी लगता है कि कई पीढ़ियों तक रहने के पश्चात कि हमारी भारतीयता बची रहे, उस भारतीयता को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। और उस दृष्टि से अलग अलग धर्मों के लोग जो गए, गुरुद्वारे बड़ी संख्या में कनाडा में, अमेरिका में, मंदिर बड़ी संख्या में, कि हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति से परिचित हो। लेकिन ये खास बात पूरे के पूरे जो डायस्पोरिक लिटरेचर है उसमें ये दिखलाई पड़ता है कि जिन जिन बोलियों भाषाओं से हम आए हुए हैं यहाँ पर, उन बोली भाषाओं के हम प्रतिनिधि हैं। चाहे पंजाबी से जाते हों, इंग्लैंड में बहुत बड़ी संख्या पंजाबी बोलने वालों की है और वो लाखों में है, शायद अंग्रेजी के बाद सबसे अधिक पंजाबी बोलने वालों की दूसरी भाषा, इंग्लैंड की दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी स्थापित है। और उसमें से बड़े लेखक हैं गुजराती हैं, अमेरिका की दूसरी गुजराती जी, फिर तेलुगु, हाँ गुजराती है, तेलुगु है, यानी चार चार भाषाएँ, यानी एक साथ तीन चार भाषाओं के नाम आया कि इंग्लैंड में पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, ये भाषाएं बोली जाती हैं। उदारता की बात चल रही थी, एक बड़ी उदारता हिंदी ने शब्दों की दृष्टि से दिखाई है। मुझे लगता है कि दुनिया की अन्य भाषाओं में इतनी पाचन शक्ति नहीं है। इसके बावजूद कई बार आयोग में यह शब्द आता है कि सरलीकरण किया जाए। प्रोफेसर फिलिप के विद्यार्थी हैं, जैसे हम कहते हैं आई वॉन्ट, मुझे एक एप्पल चाहिए, दुकान में बोलते हैं, बाजार में बोलते हैं, सब्जी मंडी में बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी इसको स्वीकार नहीं कर सकती, आई वॉन्ट अ सेव या अमरूद। तो वहाँ ये सवाल आता है कि केवल हिंदी के साथ इंग्लिश का सवाल नहीं है, केवल शुद्धता की भाषा और उसका आग्रह हिंदी में नहीं है, हिंदी से ज़्यादा आग्रह विदेशी भाषाओं में अपने शब्दों को लेकर है। लेकिन इसको मैं हिंदी की ताकत मानता हूँ, फारसी, तुर्की, अरबी के अतिरिक्त अंग्रेजी, कुछ भाषाएं, जर्मन और फ्रेंच के भी शब्द हिंदी में जिस तरह से घुल मिल गए हैं, और ये डायस्पोरिक लिटरेचर है जिसको आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार लिख रहे हैं, उन शब्दों को उन कहानियों में, उपन्यासों में डालते हैं, पचाकर डालते हैं। उन परिवेश की चर्चा आपने बहुत अच्छी की, इसके कारण जो हिंदी का प्रवासी साहित्य है जो अलग अलग ढंग से लिखा जा रहा है, वो हिंदी साहित्य के जो भारत में लिखा जा रहा है उसके समानांतर खड़ा हो रहा है। और प्रवासी साहित्यकारों के बीच से हमारे बीच बड़े साहित्यकार हिंदी में आए हैं, और ये जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के लिए भी बेहतर कर रहे हैं, और भारतीय संस्कृति, इतिहास और अपनी भाषाओं के लिए भी बेहतर कर रहे हैं, इसलिए ये सब अभिनंदनीय है जी। अच्छा, एक हमारा सुझाव है
मेरा नाम उमेश प्रसाद सिंह है, मैं अंग्रेजी साहित्य के माइक अंग्रेजी साहित्य के मैं छात्र रहा हूँ कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और उमेश प्रसाद सिंह हमारा नाम है। हिंदी के ऊपर जो अभी चर्चा हो रही थी, मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ, इंग्लिश क्रिएटिव राइटर होने के नाते शेक्सपियर जब हैमलेट, किंग लियर और ओथेलो, उनको अगर हम बारीकी से पढ़ेंगे और इफ़ वी रीड बिटवीन द लाइंस, तब हम उसको देखेंगे कि वहाँ हिंदी की कई ऐसे शब्द हैं, जैसे कि हैथ, हैथ का मतलब हैज़ होता है, हैथ, ही हैज़, दाउ, दो, दो हमें, हम तो भोजपुर के रहने वाले हैं, आरा जिला के रहने वाले हैं, हमारा गांव आरा पड़ेगा, हम भोजपुर का हूँ, मेरे अच्छा लगा कि मैं भोजपुरी साहित्य के साहित्यकार हैं। तो हिंदी जानकारी के लिए इसकी इनकल्केशन की होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी साहित्य में कुछ भी हो, हमारा सुझाव ये है कि जितने भी साहित्यकार हैं हमारे देश में हैं, उन्हें इस जागरूकता में भाग लेने की आवश्यकता है। ये अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हुए और क्रिएटिव राइटर आपने बात कही तो अच्छी भी लगी और प्रभावी है। शायद मैं कहता हिंदी के प्रोफेसर के रूप में तो लोगों को स्वीकार करने में थोड़ी असुविधा होती, लेकिन इंग्लिश के प्रोफेसर ने ये बात कही है, धन्यवाद। मेरा नाम अमिताभ सक्सेना है, मैं दुबई से हूँ। जो प्रवासी भारतीय बाहर जो रचनाएं करते हैं अधिकतर, वो हमेशा कवि या कहानियाँ, उससे ज़्यादा कुछ उससे ज़्यादा कुछ होती नहीं है। नहीं, फिर से दोहराइए अपना वाक्य। मैं अमिताभ सक्सेना हूँ, दुबई से, दुबई में रहता हूँ। अधिकतर जो प्रवासी भारतीय जो हिंदी से जुड़े हुए होते हैं, अधिकतर देखा जाता है कि वो कविताएँ लिखते हैं या कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। वो साहित्यकार नहीं होते, वो किसी चीज़, कहीं इंजीनियर होते हैं, कहीं डॉक्टर होते हैं, क्यों नहीं वो इन सब चीज़ों को अपनी जो अपने अनुभव हैं या जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसे हिंदी साहित्य में लाते, और उसका क्या कारण हो सकता है? तो ये एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, कोई भी उत्तर दे सकता है उसके बारे में। आप ठीक कह रहे हैं कि जो लिखने वाले हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स हैं, तो वो अपने प्रोफेशंस के हिसाब से लिखते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से लिखते हैं, और कविता इसलिए ज़्यादा लिखते हैं कि समय उनके पास बहुत कम होता है, तो थोड़े शब्दों में वो कहना चाहते हैं। पर कहानीकार बहुत से उपजे हैं, बहुत कहानियाँ लिखी जा रही हैं, और मेरा अपना पहला ये शाम्भर बातें नावल आया है जो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी ऑनर्स को पढ़ाया जा रहा है। और इसमें इसकी खासियत ये है कि जैसे आपने कहा कि भाषा को लेकर के अंग्रेज़ी के शब्द बहुत हम लोग करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि जो यहाँ पर भी साहित्य लिखा जा रहा है उसमें भोजपुरी और कई आंचलिक भाषाओं के आप शब्द यूज़ करते हैं, तो हम लोग ब्रिटेन में हैं तो हमारे अंग्रेज़ी के शब्द इंक्लूड करने में क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये मुझे समझ नहीं आता। तो इस किताब में सब तरह के वर्ड्स हैं, जो गुजराती हैं वो गुजराती डायलॉग है, पर आपको उनके संदर्भ से बात समझ आ जाती है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो अंग्रेज़ी है, पंजाबी है, गुजराती है, जो भाषाएं मुझे आती हैं मैंने उसको इसमें समाहित करने की कोशिश की है। तो अब उपन्यास भी लिखे जाने लगे हैं, और उपन्यास कम है पर कहानियाँ कविताएँ ज़्यादा लिखी जा रही हैं। क्या मैं आपके सवाल के जवाब की मतलब एक्सटेंशन में कुछ कह सकती हूँ? जो आपने कहा कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, सिर्फ कवि और कहानीकार ही नहीं है, बहुत सारे और प्रोफेशनल्स हैं जो लिख रहे हैं, और विधाएं में और विधाएं सामने क्यों नहीं आती, वो एक मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि एक बड़ा मसला है, क्योंकि जो लिखा जा रहा है या जैसे मैं, क्योंकि मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ तो मैं उसको कॉन्टेंट मानती हूँ, तो वो जो कॉन्टेंट क्रिएट हो रहा है वहाँ पर अलग स्पेस में, वो जो कंटेंट क्यूरेट कर रहा है, एडिट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, और उसके कई सारे लेवल्स हैं और उसकी कई सारी चुनौतियाँ हैं जो अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने बहुत सारे ऐसे अप्रवासी भारतीयों को और दुनिया भर में बसे हुए अप्रवासी भारतीयों को आवाज़ दी। भाषा उनके लिए एक अभिव्यक्ति का माध्यम थी, उनको अपनी स्मृतियों को बांटने का जरिया उनकी अपनी भाषा ने दिया और वो फिर हम तक पहुंची।
और इसी तरह से जो हम यहाँ रच रहे थे या लिख रहे थे उसको पढ़ने वाले बाहर कई सारे लोग मिले। मैं ब्लॉग करती थी पहले और मैं जब खोलती थी अपना डैशबोर्ड तो मैं हैरान होती थी कि ये कहाँ से लोग हैं और क्या मतलब ये कैसे पढ़ रहे हैं। मतलब कोई फिलीपींस में बैठा हुआ है, इंडोनेशिया में बैठा हुआ, या फिर मुझे तो देशों के नाम भी नहीं याद हैं, ऐसे ऐसे देश जो गूगल करके देखना होता था कि अच्छा ये दो पाठक जो आ रहे हैं वो माल्टा, मतलब कैसे कहाँ से। तो वो इंटरनेट ने ये किया है हमारे लिए कि वैसे उस तरह के लेखकों को भी जो छप नहीं पाते लेकिन फिर भी अभिव्यक्त कर रहे हैं खुद को कई तरह की विधाओं में, उनको एक पाठक वर्ग दिया है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे और लोगों को, कम से कम इस पीढ़ी को, जो आप सवाल जो आपकी चिंता थी उसको भी शायद वो उसको सुलझाने में मदद करेगा, क्योंकि इंटरनेट ही वो जरिया है जो बांधेगा लिखने वाले को भी, पाठकों को भी, कंटेंट जो क्रिएट कर रहा है उसको भी, फिल्मों को भी, पॉपुलर कल्चर को भी, लिटरेचर को भी, वो एक जगह पर लेकर आएगा। तो हम इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल करें और अलग अलग तरह की आवाज़ों को ढूंढ निकालें, ये शायद उसका एक समाधान हो सकता है। हाँ, चूँकि हमारा समय तो ख़त्म होने वाली है, अफसोस है, लेकिन हम और सवाल नहीं ले सकते पैनल में। लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट्स को मतलब बारंबार प्रणाम है, और मैंने सोचा कि अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई तो है, जरा सुनूं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करौं प्रणाम सप्रेम सुवानी। आप लोगों को जो सुजन समाज। We wish to thank Anu Singh Chaudhary, Divya Mathur, Nankishore Pandey and Philip A. Ludgendorff and Bhaskar Bhasha Series for this session. Results of the poll today. Music stage tickets will be available at Hotel Clarks, Amer, and at tent number 2 near the registration tent. The festival requests you your help in keeping Diggy Palace and environs clean. Do take your litter with you and dispose of them in waste baskets, which can be found across the venue. The next session at the Bar Hall is Alive with the Trilobites. We wish to thank Zee Entertainment, title partner, Cox & Kings, venue partner, Charbagh. We urge you to download Free Charge, who is helping the festival go cashless. Rajasthan Tourism, our tourism partner. Amateur University, our university partner. The British Council, healthcare partner. CK Birla Hospital. Domestic Airlines partner, Indigo. Telecom partner, Airtel. Beverage partner, Coca-Cola. Jetty Foundation. BBC World Histories magazine. We thank our publishers Penguin, HarperCollins and Westland, Mahindra World City, Nestle, Dove, AU Financiers, our media partners Red FM and Rajasthan's very own Patrika Group and Bhaskar Group, The Crest, Harvard University Press, Kashmir Loom, Azad Foundation and Wesleyan University, MOMA, Wesleyan University, Literature Across Frontiers, Jan Michalski Foundation, Aga Khan Foundation, Avid and Ambit are supporting the festival again. Delighted to have Glenn Levitt and Kingfisher on board. The bookshop will be managed by Full Circle. Switch to Airtel 4G, kyunki 12 mahino ke liye data free hoga. Please do not leave your bags unattended, as the festival is unable to take responsibility for any loss. We would be grateful if you give up your seats for those who may not be able to stand. Please keep the aisles free. This is for your own safety and security.